और दिल्ली से? बिल्कुल दीपिका, आप बता रही हैं कि आग लगने की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, सूरत से भी है, अलग अलग राज्यों से तस्वीर आई है, दिल्ली से क्या तस्वीर है? दिल्ली से देखिए आग की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर बिजली के खंभे से शुरू हुई आग ने एक साथ कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने, बताया जा रहा है, कई रेस्टोरेंट को भी जलाकर खाक कर दिया है। और आग की कई राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा यही है कि आप भी सतर्क हो जाइए। भीषण गर्मी के वक्त आग की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। दिखाते हैं ये रिपोर्ट, देखिए जरा और सतर्क हो जाइए। दिल्ली से अग्निकांड की भीषण तस्वीर सामने आई है, जहां एक साथ कई रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गए। पहले आप इस तस्वीर को देखिए, इमारत में नीचे से ऊपर तक आग लगी है। बिल्डिंग के सामने की तरफ से लगी फाइबर शीट मेल्ट होकर नीचे गिर रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि 4 मंजिला यह इमारत पूरी तरह से आग की चपेट में है। कोई भी इमारत के आसपास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इमारत से कुछ दूर लोगों की भीड़ खड़ी है। आग ने पास की भी एक इमारत को अपनी चपेट में ले लिया है। धुएं का काला गुबार आसमान में छाया हुआ है। आग की इस वीडियो को देखिए, आग किस तरह से भड़क रही है आप वो भी देख लीजिए। आग जितनी तेजी से धधक रही है, ये बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले सकती थी। इमारत से चिंगारी और आग का शोला बाहर की तरफ आ रहा है और पटाखे जैसी आवाज आ रही है। इस वीडियो को देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बिजली के तार और खंभे में आग लगी हुई है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी खतरनाक हो सकती थी। यहाँ देखिए, आग एक बिजली के खंभे से शुरू हुई, इसने एक के बाद एक 3 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी इमारतों में रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। इमारत में मौजूद रिहायशी फ्लैट भी इस आग में तबाह हो गए। आग की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की है, जहां एक साथ कई रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गए। इमारत में गैस पाइपलाइन और सिलेंडर होने की वजह से आग तेजी से फैलती गई। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को भी आने में समय लगा। हालांकि लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय पर बिल्डिंग से सभी का रेस्क्यू कर दिया था और इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कई इमारतों में आग से करोड़ों का नुकसान हो गया।